सेमेंटिक्स एंड लेक्सिकॉन। सेमेंटिक्स अगर हम स्टार्ट से देखें लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, तो पहला प्रोसेस होता है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, पे सिंटैक्स एनालिसिस और उसके बाद सेमेंटिक एनालिसिस। सेमेंटिक्स इज स्टडी ऑफ मीनिंग। मीनिंग को एक से ज्यादा तरीकों से स्टडी किया गया है। पहले जो स्टडी करना शुरू हुई सेमेंटिक्स, खासतौर पर कंप्यूटेशनल सेमेंटिक्स, उसमें हमारा आइडिया ये था कि हम सेंटेंस को लॉजिकल फॉर्म में रखेंगे और उस पर प्रेडिकेट लॉजिक या कोई और फॉर्मल लॉजिक अप्लाई करेंगे। आज के दौर में सेमेंटिक्स क्योंकि शैलो लेवल मेथड्स आ गए हैं, डीप लेवल मेथड्स नहीं है, तो क्योंकि शैलो लेवल मेथड्स आ गए हैं और डीप लेवल मेथड्स नहीं हैं, इस वजह से हम ये नहीं होता कि हर चीज की मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करें और उसके बाद सेंटेक्स एनालिसिस करें और फिर सेमेंटिक्स एनालिसिस करें। बहुत सारे काम डायरेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए सेमेंटिक्स लाजमी नहीं कि आपने मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस किया हो उसके बाद सेंटेक्स एनालिसिस किया और फिर सेमेंटिक्स अप्लाई करनी पड़े। आप बहुत सारे डेटा पर, बहुत सारे टेक्स्ट डेटा पर सेमेंटिक्स डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और आज के जितने टॉपिक्स हैं वो उसी तरह से हैं कि आप शैलो मेथड्स में सेमेंटिक्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से सेमेंटिक लेक्सिकॉन बना सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट किसी टाइम हमें ये देखना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपको सेंटेक्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद हमें सेमेंटिक्स देखनी है, खासतौर पर सेमेंटिक रोल्स, तो वो आज का टॉपिक नहीं होगा। तो आज सेमेंटिक रिलेशंस स्टार्ट करेंगे। सेमेंटिक रिलेशंस आज का, अगर आप टॉपिक का दूसरा नाम लिखना चाहें तो ये हो जाए कि सेमेंटिक रिलेशंस हम स्टडी कर रहे हैं, सेमेंटिक रिलेशन बिटवीन द वर्ड, और इस सेमेंटिक रिलेशंस फाइंड करने के और यूज करने के कितने मेथड्स हैं, हम वो सारे देख सकें कि कौन कौन से मेजर मेथड्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सेमेंटिक रिलेशंस के मेथड्स, सेमेंटिक रिलेशंस क्या होते हैं, नॉर्मली हमें पता है सिनोनिम, और दूसरा सिनोनिम जिनकी मीनिंग सिमिलर हो, बिग और लार्ज, एंटोनियम जैसे हॉट एंड कोल्ड, हाइपोनियम चेयर इज अ काइंड ऑफ फर्नीचर, मैरोनियम व्हील इज अ पार्ट ऑफ कार। इसके अलावा हमारे पास सेमेंटिक फील्ड्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम रेस्टोरेंट डोमेन में हैं तो वहां पे वेटर होगा, मेन्यू होगा, प्लेट, फूड, शेफ, ये सेमेंटिक रिलेशंस हैं। अब ये सेमेंटिक रिलेशंस अगर हमें यूज करनी है तो ये हमें किस तरह से अवेलेबल है और वो अवेलेबल, वो रिसोर्सेज अवेलेबल किस तरह से होते हैं, वो रिसोर्सेज बनते किस तरह से हैं, ये दो काम हमें फोकस करना है। तो सेमेंटिक रिलेशंस किस तरह से हमें मिल सकते हैं, एक है मैनुअल नॉलेज इंजीनियरिंग। पिछले 10-15 साल अगर छोड़ दें तो उससे पहले दुनिया में मैनुअल नॉलेज इंजीनियरिंग थी कि लोग सेमेंटिक रिलेशन डिफाइन करते थे। वर्डनेट का इंट्रोडक्शन आएगा या किसी और चीज में भी आप, हम ये बताते हैं कि ये वर्ड है, इसके सिनोनिम्स ये हैं, इसके एंटोनिम्स ये हैं, ये इस सेमेंटिक फील्ड को बिलोंग करता है। तो लिंग्विस्ट बैठकर नॉलेज इंजीनियरिंग करते थे और हाथ से सेमेंटिक रिसोर्सेज बनाते थे जिसे कंप्यूटेशन में इस्तेमाल किया जा सकता था। एग्जाम्पल ये है वर्डनेट, सेंटिलेक्स और लुसीरेल सेमेंटिक लेक्सिकॉन। और उसके अलावा आज के दौर में मशीन लर्निंग के जरिए सेमेंटिक्स हम कुछ लर्न कर लेते हैं। तो मेरा फोकस सेकंड टॉपिक पे ज्यादा है कि लिंग्विस्ट्स को ये पता चल जाए कि मशीन लर्निंग से वो क्या चीजें लर्न कर सकते हैं। तो बहुत सारे कामों में उन्हें जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा बल्कि बहुत कुछ काम उन्हें किया हुआ मिलेगा कंप्यूटर मशीन लर्निंग से, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आखिर में सेकेंड लास्ट स्लाइड डिस्कस कर रही है कि ये मशीन लर्निंग किस तरह से हेल्प कर सकती है लिंग्विस्ट्स को। तो पहले मैनुअल नॉलेज इंजीनियरिंग के हम सेमेंटिक रिसोर्सेज किस तरह से बना रहे हैं, या लेक्सिकल रिसोर्सेज जो सेमेंटिक बेस्ड लेक्सिकल रिसोर्सेज कौन कौन से मेजर हैं और उन्हें किस तरह से बनाया जाता है।
मैनुअल नॉलेज इंजीनियरिंग में अभी हमने देखा कि दो तीन बड़ी बड़ी चीजें हैं। एक वर्डनेट, वर्डनेट आप लोगों ने मेरे ख्याल में यूज किया होगा। वर्डनेट वरना वर्डनेट एक सेमेंटिक रिसोर्स है जिसमें म्यूट एवरीवन। ओके तो वर्डनेट क्या है अभी देख लेते हैं। वर्डनेट एक लेक्सिकल डेटाबेस है जिसमें वर्ड्स के दरमियान में लिंक्स बताए गए हैं कि ये दो वर्ड्स हैं ये एक दूसरे के सिनोनिम हैं, जैसे बिग और लार्ज एक दूसरे का सिनोनिम है, या इनमें हाइपरनिमी है कि फर्नीचर इज के चेयर इज अ काइंड ऑफ फर्नीचर और फर्नीचर इज अ सुपर क्लास ऑफ पेरेंट क्लास कंप्यूटेशन की टर्म में ऑफ चेयर। तो वर्डनेट हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये आ गया, इसमें मैंने वही एग्जाम्पल जो वहां लिखी हुई है बुक ये लिखी। एंड सर्च वर्डनेट किया वक्त नहीं चल रहा, मैं पूरा क्लिक कर रहा हूँ, बहरहाल होता है कभी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की चीजें भी बाज दफा नहीं चल रही होती। तो अगर आपको यहाँ पे नजर आ जाए, मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, वर्डनेट में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। अगर यहाँ पे देख लें तो मैंने बुक सर्च किया था और बुक की डिफरेंट सेंसेस अवेलेबल हैं कि बुक नॉर्मल किताब के मायनों में इस्तेमाल होती है, लेकिन बुक फिजिकल ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेजेस बाउंड टुगेदर और बहुत सारी चीजें जो मिला के रिकॉर्ड, या नंबर थ्री देख लें रिकॉर्ड बुक, जो चीज रिकॉर्ड में रखी जाती है उसे भी रिकॉर्ड बुक कहते हैं, स्क्रिप्ट को भी बुक कहते हैं, लेजर को भी बुक कहते हैं। तो एक चीज के मल्टीपल सेंसेस हो सकती हैं, इसमें सारी सेंसेस मौजूद है और हर सेंस के सेनोनिम मौजूद हैं जिसे सिंसेट कहा जाता है। तो हमारे पास अगर हम इसे बुक इनपुट देंगे तो वो हमें ये बता देगा कि बुक के डिफरेंट सेंसेस अवेलेबल हैं, हर सेंस का सिंसेट क्या है, यानी सेनोनिम सेंट क्या है, कि जो अगर हम नॉर्मल बुक की बात कर रहे हैं किताब की तो उसमें क्या होगा, और हम लेजर बुक की बात कर रहे हैं तो लेजर वाले में लेजर, अकाउंट बुक, बुक ऑफ अकाउंट, ये सारे सेनोनिम है। फिर बुक और रूल बुक, ही इज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द बुक, में हम बुक्स बुक को रूल के फॉर्म में कहते हैं, तो रूल बुक एक सेंसेस की। फिर उसके बाद हाइपरनिम्स और मैरोनिम्स अवेलेबल है। हाइपरनिम्स का मतलब कि इसकी जनरलाइज क्लास क्या है, वो ये एग्जाम्पल के फर्नीचर हाइपरनिम है चेयर का, और मैरोनिम के पार्ट ऑफ रिलेशनशिप क्या है कि व्हील इज अ पार्ट ऑफ कार। ये वर्डनेट अवेलेबल है हमारी लैंग्वेजेस के लिए भी, अगर हमें उर्दू के लिए बन चुका है, पंजाबी के लिए कुछ कोशिशें हुई हैं, सिंधी के लिए कुछ काम हुआ है, डॉक्टर मजहर ने काम किया है। तो हमें अगर अपनी लैंग्वेजेस की सेमेंटिक समझनी है तो एक तरीका यह है कि हम उसका वर्डनेट बनाना होगा और वर्डनेट में जो जो चीजें होती हैं वो देनी होगी। फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि हम दो चीजों की सिमिलैरिटी मालूम कर सके। कंप्यूटेशन में सेमेंटिक्स के दो फायदे थे, एक डीप अंडरस्टैंडिंग जो आजकल थोड़ा सा कम हो रहा है और आज वाले डिस्कशन में तो शायद बिल्कुल ही ना हो, नेक्स्ट वाले किसी डिस्कशन में होगा, और दूसरा यह है कि हम वर्ड लेवल सर्चेस को बेहतर बना सके। फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स सर्च करता है चेयर सर्च करता है नेट पर चेयर शॉप, और उसे फर्नीचर मार्केट का एक वेब पेज इंटरनेट पे अवेलेबल है, क्या उसे मिलना चाहिए फर्नीचर मार्केट अगर वो चेयर सर्च करता है गूगल पर या किसी और सर्च इंजन पे, या नहीं मिलना चाहिए। जाहिर है अगर मैं चेयर शॉप सर्च कर रहा हूँ तो फर्नीचर मार्केट चेयर
इज अ काइंड ऑफ फर्नीचर एंड शॉप इज अ पार्ट ऑफ मार्केट, तो ये दोनों चीजें आनी चाहिए। लेकिन ये अगर स्ट्रिंग मैच करेंगे तो चेयर और फर्नीचर में कुछ कॉमन नहीं है, शॉप और मार्केट में कुछ कॉमन नहीं है। तो सेमेंटिक्स का एक काम कंप्यूटेशन में इस वक्त ये है कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के, जो सिमिलर वर्ड्स हैं उन्हें किसी तरह से बता सकें कि चेयर और फर्नीचर सिमिलर है। तो यहाँ पर ये जो सिंसेट है, हाइपरनिम्स हैं, मेरोनिम्स हैं, ये हेल्प कर सकते हैं अगर हम अपनी लैंग्वेज के बना के रखें। और एनएलटीके पे जो बात होती है, एनएलटीके में आपके पास मौजूद हैं लाइब्रेरीज वर्डनेट की, जिसमें आप वर्ड्स कोई वर्ड देके उसके उसके डिफरेंट सेंसेस, उसके हर सेंस के सिंसेट्स, हर सेंस के हाइपरनिम्स वगैरह हम बता सकते हैं। उर्दू वर्डनेट बना है, सीएलई की वेबसाइट पे अवेलेबल है और फिर आप उनसे वो ले भी सकते हैं। और उसमें फॉर एग्जाम्पल इस जबान के लिए है, तो जबान एक तो टंग के मायनों में जो मुंह में होती है, और दूसरा बोलने, दूसरा लैंग्वेज के मायनों में जो इंग्लिश, उर्दू, अरबी वगैरह है वो। तो ये दो इसके अलग अलग सेंसेस मौजूद हैं। जो लैंग्वेज के मायनों में है उसके सिनोनिम भाषा, बोली, जबान, लिसान है। मैंने फिर म्यूट कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम टंग की बात करें तो जीभ, जबान और लिसान, ये दोनों चीजों में इस्तेमाल होता है। फिर वादे को भी जबान कहते हैं, तो ये तीसरा वादा और जबान, मैंने जबान दी हुई है। तो ये उर्दू वर्डनेट है। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में आपको मैन्युअली अपना वर्डनेट बनाना पड़ेगा। इनकी लाइब्रेरी मौजूद है। सर मैं आई इंटरप्ट यू सर, मुझे एक प्रीवियस स्लाइड दिखाइएगा, जीव, जुबान और लिसान। इसमें जीव तो इट्स काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, जो उसका फिजिकल एट्रीब्यूट है जुबान का, जो उसकी फिजिक है, उसको हमने जीव, एक उर्दू का हमने उसका एक सिनोनिम बता लिया। और उसके साथ जुबान, जुबान को भी हमने उसको लिंक कर दिया और लिसान को भी उसके साथ लिंक कर दिया। तो जुबान और लिसान का तो मुझे सेंस रिलेशन समझ आता है, लेकिन जीभ का, जुबान का और लिसान का ये सर समझ नहीं आ रहा। जीभ इज हाईली हाईली फिजिकल फिनोमेना, ये फिजिकल ऑर्गन को शो कर रहा है। बिल्कुल, तो अगर आप ये पढ़ें और जुबान, सही, तो अगर आप ये पढ़ें एक लफ्ज एक से ज्यादा मायनों में इस्तेमाल होता है सेंसेस, तो अच्छा हुआ आपने मुझे स्टॉप कर दिया। नहीं, वो ऊपर बात हो गई ना, नहीं डॉक्टर साहब वो ऊपर बात हो गई है ना, जैसे आपकी लिसान अरबी हो या उर्दू रहेंगे, आप मुसलमान ही, इसके सिनोनिम उसने दिया भाषा, बोली, जुबान, लिसान, यहाँ तक तो बात क्लियर है। बट इफ वी कम डाउन साइड हियर, जीभ, जुबान, लिसान, तो यहाँ पर लिसान को क्यों इसके साथ मिक्स किया जा रहा है, जबकि जीभ जो है वो उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट है। चले अच्छा। अगर मैं इसको सेंटेंस में यूज करता हूँ, गरम चाय से उसकी जीभ पर छाले पड़ गए, ठीक है, गरम चाय पर उसकी जुबान पर छाले पड़ गए, ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूंगा ना गरम चाय पर उसकी लिसान पर छाले पड़ गए, हाउ कम। हाँ सही, ये बात आई एग्री, मेरे ख्याल में यहाँ पे अरबी से ज्यादा मुतासर हो गए जिसने भी बनाया है, जिसने ये चीज बनाई है उसने अरबी में देखा और अरबी या किसी डिक्शनरी में ये लिखा हुआ होगा, हो सकता है तारीखी तौर पे किसी ने लिसान को टंग के मायनों में इस्तेमाल कर दिया हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। अक्सर ये होता है कि बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल उर्दू थिसोरस एक रिसोर्स है, वो एक किताब है जो मौजूद है, या और मुख्तलिफ डिक्शनरीज होती हैं, उसमें हम मायने अल्फाज मौजूद होते हैं, तो हो सकता है किसी रिसोर्स में वो चीज लिखी हो, उन्होंने वहीं से कॉपी कर दी हो के, और उसमें उन्होंने कोई रेफरेंस भी दिया हो के 1920 में किसी ने इस तरह से भी इस लफ्ज को इस्तेमाल किया है। तो ये प्रॉब्लम रहती है कि जी सर मैं आई इंटरप्ट यू अगेन, देखे ना कि खाव मशीन लर्निंग हो, पाइथन के थ्रू हम कर रहे हैं या कोई और सॉफ्टवेयर दे रहे हैं,
हमने जो इनपुट मशीन को देना है उसने उसका वही सिमेंटिक फील्ड निकालना है या सिमेंटिक रिलेशन निकालना है या सेंस रिलेशन निकालना है। तो ऊपर तो जुबान और निशान की बात समझ आती है, जीव को यहाँ पे जो फिट किया गया है तो ना तो ये इसका सिमेंटिक फील्ड बना रहा है, ना ही ये इसका सिमेंटिक, ना ही इसका सेंस रिलेशन बना रहा है, और ना ही ये इसका लेक्सिकल रिलेशन बना रहा है। ये तीनों रिलेशन इस कैटेगरी में नहीं बन रहे। तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है एज हम्बल स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, तो आई डोंट क्लेम माई सेल्फ एज लिंग्विस्ट, मैं तो भी बहुत अदना दर्जे का एक स्टूडेंट हूँ लिंग्विस्टिक्स में। तो मुझे इस चीज की सर ये समझ थोड़ी सी इसमें नहीं आ रही है, क्योंकि रिलेशन नहीं बना रहा। तो मशीन को जो हमने इनपुट दिया सर उसने वही दे दिया। तो वी कैन से दैट सिमेंटिक इज हाईली मीनिंग ओरिएंटेड सब्जेक्ट। ठीक है, अब एक मीनिंग एक जगह कुछ इंटरप्रेट कर रहा है और दूसरी जगह दूसरा कुछ दे रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चॉम्स्की की एक मिसाल है हमारे पास, अ कलर कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली, ये एक सिंटैक्टिकली तो बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली। जब हम इसको किसी भी सॉफ्टवेयर जाकर, जैसे आपने हमें पढ़ाया था, अगर इसका एनालिसिस करते हैं तो सिंटैक्टिकली ये बिल्कुल ठीक है, इसमें नाउन भी ठीक है, एडजेक्टिव भी ठीक है, एडवर्ब भी ठीक है, लेकिन जब हम इसका सिमेंटिक एनालिसिस करेंगे सो दिस इज हाईली मीनिंगलेस सेंटेंस। सो दिस इज कॉल्ड सूडो सेंटेंस। या हम एक और सेंटेंस यूज करते हैं लिंग्विस्टिक्स में टू गिव दिस एग्जाम्पल, बैचुलर प्रेग्नेंट बॉय गेव फोर्थ ट्विंस। सिंटैक्टिकली तो बिल्कुल ठीक है लेकिन सिमेंटिकली बिल्कुल गलत है। अगर मैं कहता हूँ कायदे आजम डिस्कवर्ड अमेरिका, सिंटैक्टिकली ठीक है लेकिन सिमेंटिकली वो ऑल टुगेदर रॉन्ग है। तो इस नहीं, इशू को हम सेमेंटिकली कैसे भी एड्रेस करेंगे, अच्छा, सही। अच्छा, लास्ट सेंटेंस जो आपने इस इशू कहा को हम है, कैसे एड्रेस करेंगे जी, कि कायदे आजम डिस्कवर्ड अमेरिका। लास्ट सेंटेंस सेमेंटिकली वेल फाउंड है, सही है, लेकिन उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। तो पहले आपकी जो पहली एग्जांपल है और ये जो तीसरी एग्जांपल है, उन दोनों में फर्क है। पहली एग्जांपल में सेमेंटिकली भी वो करेक्ट नहीं है, यानी ये वर्ड्स एक साथ कलरलेस आइडियाज, ग्रीन आइडियाज, कलरलेस और ग्रीन और कलरलेस और आइडियाज नॉर्मली एक साथ नहीं आते। पहला वाला तो जी सेमेंटिक रिस्ट्रिक्शन है। तीसरी एग्जांपल जो आपने दी उसमें कायदे जी आजम जो वाली बात है वो सेमेंटिकली बिल्कुल सही है, लेकिन वो उसकी ट्रुथ राइट वैल्यू फॉल्स है। उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है कि ऐसा नहीं हुआ। जी, ट्रूथ ट्रूथ वैल्यू नहीं है, उसकी सर ट्रूथ कंडीशन मीट नहीं हो रही है, ट्रूथ कंडीशन मीट नहीं हो रही है उसकी। तो अब इसके लिए, अच्छा, आपका जो पहला सवाल है ना, इसीलिए मैंने वो एक्सप्लेनेशन की थी कि अभी हम वर्ड बेस पर हैं। ये जो दूसरी बार आपने वो जो सेमेंटिक्स कहा कि क्या कोई सेंटेंस जो है वो सिंटेक्टिकली करेक्ट है, क्या वो सेमेंटिकली भी सही है या नहीं है, उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि उसके लिए फिर हमें बहुत दूसरे काम करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्शन रिस्ट्रिक्शन एक थ्योरी होती है कि हम ये बता दें कि इस वर्ड के साथ ये आर्गुमेंट आ सकते हैं, ये आर्गुमेंट नहीं आ सकते। आइडियाज के साथ कलरलेस नहीं आ सकता, स्लीप के साथ आइडियाज नहीं आ सकता। तो ये सारी चीजें फिर सिलेक्शन रिस्ट्रिक्शन में हो जाती हैं। इस वक्त जो आपने ये पॉइंट आउट किया है, ये एक अच्छा है कि सेंस, आप ये कह रहे हैं कि पहले वाले जो सेंस है जबान की, भाषा, बोली, जबान और लिसान, ये तो समझ में आ रहा है, ये चारों वर्ड्स एक जैसे हैं, एक ही सेंस में है, ये एक सिंसेट बन सकता है, लेकिन जीभ, जबान और लिसान सिंसेट अच्छा नहीं बन रहा। तो इस वजह से ही कहा, मशीन लर्निंग का फायदा ये होगा आगे जाकर कि हम एक कॉर्पस दे देंगे और उस कॉर्पस से कहेंगे ये तो कॉर्पस में इस तरह से इस्तेमाल हुआ है। जब हम मैन्युअली बनाते हैं तो मल्टीपल रिसोर्सेज से डील कर रहे हैं। जीभ हो सकता है किसी मुंशी प्रेमचंद ने कभी लिखा हो और उसमें उन्होंने जीभ इस्तेमाल कर लिया हो, या किसी और अफसाने में किसी गांव के शख्स को रिप्रेजेंट करना हो और जीभ इस्तेमाल हो गया हो। लिसान हो सकता है कभी इस्तेमाल हो गया हो, लेकिन आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होता। तो फ्रॉम लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज, डिक्शनरीज को देख के जब सिस्टम बनेगा तो उसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसका एक सलूशन यह है कि
आप बना दें, रूल्स बना दें कि 10 लोगों से पूछें कि क्या आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं इस्तेमाल करते तो इसको माइनस कर दें, इस पे लोगों से फीडबैक ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, मे आई से समथिंग ऑन दिस? जी सर, चूंकि उर्दू वर्डनेट बनाने में थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन मेरी भी थी डॉक्टर सरमद की टीम के हवाले से, तो उसमें हमने जो सेंसेट बनाए थे उर्दू के, तो हमने कामूस मुतरादिफात को एज अ रेफरेंस यूज किया था। अब कामूस मुतरादिफात, जैसे कि आपको लगता है इसमें काफी अरबिक इन्फ्लुएंस नजर आता है, तो ये वहीं से आया है कि इसमें यहाँ भी किसी की पर्सनल इंट्यूशन पर डिपेंड नहीं किया गया सेंसेट बनाते हुए। अगर उसकी वर्ड की स्पेसिफिक सेंस के लिए कामूस मुतरादिफात में अगर ये मुतरादिफ लिखा हुआ था तो तब चुना गया था। लेकिन बाहर इस पे जो आप रिस्ट्रिक्शन की बात करें वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई रेफरेंस अगर कोई इस पे मांगना चाहे तो यही कहा जा सकता है कि जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए हैं ये उनके इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पर है। सही, और फिर बाद में फिर हम ये कर सकते हैं, अगर कोई अपना वर्डनेट बना रहा हो तो वो ये, या वर्डनेट इस वर्डनेट को फिल्टर करना चाहे तो वो ये कह दे कि उर्दू के 1 लाख तो मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड हैं, अगर कोई वर्ड उनमें मौजूद है तो हम उसे यूज करेंगे वरना नहीं करेंगे, तो इसको फिल्टर किया जा सकता है। तो वर्डनेट में डिजाइन में ये सारे इशू, जब भी आप मैनुअली कोई चीज डिजाइन करेंगे तो ये सारे इशूज आएंगे। अच्छा, दूसरी बात सेंटिमेंट बेस्ड लेक्सिकॉन और किस तरह किस्म के लेक्सिकॉन बनते हैं, तो ये लिंग्विस्ट को बनाने हैं। पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है, और जब हम लेक्सिकॉन बनाने बैठेंगे तो हमें फैसला ये करना पड़ता है कि हमारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किसी रेफरेंस को यूज कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे, वोटिंग करवा रहे हैं, फ्रिक्वेंसी बेस्ड जिस तरह से मैंने सजेस्ट किया वो कर रहे हैं, या क्या है हमारा रेफरेंस क्या है। अच्छा, दूसरी तरह से फिर वर्डनेट के अलावा जो दूसरे लेक्सिकॉन अवेलेबल हैं और इसमें लिंग्विस्ट काम कर सकते हैं वो सेंटिमेंट, एक कंप्यूटेशन में एक चीज है सेंटिमेंट एनालिसिस और उसके बाद इमोशन एनालिसिस। एक प्रोडक्ट रिव्यू आया वो कि ये मोबाइल फोन बहुत जबरदस्त है, या एक आया कि ये लैपटॉप अच्छा काम नहीं करता। तो सेंटिमेंट एनालिसिस ये है कि ऑटोमेटिकली आप सारे कमेंट्स को प्रोसेस करें जो किसी प्रोडक्ट के बारे में, और बताएं कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं। तो इसके लिए फिर सेंटिमेंट, इसके लिए मशीन लर्निंग अप्रोच भी होती है और सेंटिमेंट लेक्सिकॉन भी होता है। सेंटिमेंट लेक्सिकॉन का मतलब ये है कि अच्छा, बेहतर, बेहतरीन, जबरदस्त, ये सारे वर्ड्स पॉजिटिव पोलैरिटी वाले हैं। ये अगर किसी कमेंट में आएंगे तो इसका मतलब है वो तारीफ कर रहा है, और अगर बुरा, बेकार, बदतरीन, ये सारी चीजें आ रही हैं तो ये एक बुरा ऑप्शन है, और तो ये एक नेगेटिव पोलैरिटी वाले वर्ड्स हैं। और अगर किसी कमेंट में ये आ रहे हैं, किसी प्रोडक्ट पे कमेंट किसी ने ये किया है, तो इसका मतलब है ये उसने नेगेटिव बात की है। तो इस तरह के बहुत सारे टूल्स, सेमेंटिक लेक्सिकॉन लोगों ने बनाए हैं। फॉर एग्जांपल एक दो मैंने शेयर किए हैं ओपिनियन, तो एक ये जो बिंग लियो ओपिनियन लेक्सिकॉन है उसमें 2006 पॉजिटिव वर्ड्स और 4783 नेगेटिव वर्ड्स मौजूद हैं। जो प्रोसेसिंग करता है वो फिर इन वर्ड्स को देख कर फैसला करता है कि जो आपके पास मैसेज है उसमें पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव, वो पॉजिटिव वर्ड ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा है। होता यह है कि अभी एक नया मोबाइल फोन लॉन्च हुआ, नया लैपटॉप लॉन्च हुआ, एक दिन में उस पर 10,000 कमेंट्स आ गए, कोई बैठ के एक एक कमेंट नहीं पढ़ सकता, तो ओवरऑल देखने के लिए कि ज्यादातर कमेंट्स पॉजिटिव थे या ज्यादातर कमेंट नेगेटिव थे, सेंटिमेंट एनालिसिस किया जाता है, जो वर्ड बेस्ड भी होता है, लेक्सिकॉन बेस्ड भी होता है, उसके लिए लेक्सिकॉन हमें बनाने पड़ते हैं। या सेंटी वर्डनेट है। सेंटी वर्डनेट क्या है कि वर्डनेट के जितने भी सिंसेट्स हैं हर एक की पोलैरिटी बता दी कि ये एज अ पॉजिटिव वर्ड इस्तेमाल होता है या नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल होता है या ये न्यूट्रल इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बुक आ गया तो जाहिर है वो न्यूट्रल होगा। उसके बाद फिर तो ये एक बात है कि उर्दू के लिए कुछ बने हैं, सिंधी के लिए एक सेंटिमेंट एनालिसिस पे काम हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी जबानों के लिए अभी भी ये काम बाकी है कि आप सेंटिमेंट लेक्सिकॉन बना लें।
उसके बाद फिर इमोशन लेक्सिकॉन की बात होती है। इमोशन लेक्सिकॉन क्या है कि आपके पास डिफरेंट इमोशंस हैं, फेसबुक पे पोस्ट हो रही हैं, और तो वो पोस्ट देखकर हम ये बता सकें कि इस शख्स ने जो पोस्ट की है इस टॉपिक पर, वो उसमें जॉय था, सैडनेस था, एंगर था, फेयर था, क्या उसका इमोशंस क्या थे। व्हाट्सएप ग्रुप में बात हो रही है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादातर मैसेजेस जॉय वाले हैं या एंगर वाले हैं। इन चीजों को एनालाइज करने के लिए इमोशन एनालिसिस इस्तेमाल होता है, और उसके लिए भी हमें फिर इमोशन लेक्सिकॉन बनाना पड़ता है। चाहे इमोशन के पीछे साइकोलॉजिस्ट, जाहिर है पूरी साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है कि डिफरेंट मॉडल्स हैं, उनमें से कोई एक मॉडल चुन लेते हैं हम कि इन आठ इमोशंस पे हम काम करेंगे, जॉय, सैडनेस, एंगर, फेयर, ट्रस्ट, डिस्गस्ट, एंटिसिपेशन, सरप्राइज। अच्छा, इसमें भी हमारे पास चीजें मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल एक टूल ऐसा है जिसमें 14,000 वर्ड्स की इमोशनल डायमेंशंस बताई गई हैं। पिछले में कोई और साइकोलॉजी की थ्योरी थी, यहाँ इस इमोशन लेक्सिकॉन में कोई और थ्योरी है। तो वैलेंस प्लेजेंटनेस है, अरोजल इमोशन प्रोवोक्ड बाय द स्टिमुलस, डोमिनेंस डिग्री ऑफ कंट्रोल एक्सर्टेड बाय स्टिमुलस। तो उसमें फॉर एग्जांपल हम वर्ड वेकेशन की बात करें तो वेकेशन में वैलेंस ज्यादा है, यानी प्रेजेंट वेकेशन प्रेजेंट होती है। हैप्पी में प्लेजेंटनेस ज्यादा है, विसिल में प्लेजेंटनेस ज्यादा है। अरोजल जो है वो प्रोवोक्ड इमोशन प्रोवोक्ड बाय स्टिमुलस, रैम्पेज, टॉर्नेडोज, जुकीनी, इनमें ये चीजें ज्यादा है। डोमिनेंस में कंट्रोल में सेल्फ, इनक्रेडिबल, स्किलेट। तो हम जिस तरह से वहां बता रहे थे कि ये चीज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अक्सर हम ये नहीं बताते कि ये चीज प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। प्लेजेंट कितनी है? ऑन द 0 to 10 स्केल वेकेशन 8.53 प्लेजेंट है, यानी अगर 10 हाईएस्ट प्लेजेंटनेस है तो वेकेशन 8.53 है, हैप्पी 8.47 है। इमोशन बेस्ड लेक्सिकॉन भी बहुत सारे बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल एनआरसी लेक्सिकॉन, जिसमें सेंटिमेंट्स एंड सेंटिमेंट वर्ड्स भी हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स भी हैं,